नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। आज सारे विश्व में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट हो रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारी बातें शेयर करूँगा कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड में कौन सा फूड लेना चाहिए, प्रो एंड कॉन सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। सारे विश्व की जो आबादी है लगभग 790 करोड़ लोग हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% लोग वेजिटेरियन हैं। भारत योग अध्यात्म आयुर्वेद का देश है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30% लोग वेजिटेरियन हैं। भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 97% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो है तेलंगाना। उसी तरीके से वेजिटेरियन लोग राजस्थान में सबसे ज़्यादा 75% लोग वेजिटेरियन हैं, 70% लोग हरियाणा में और 67% लोग जो हैं वो पंजाब में वेजिटेरियन हैं। बचपन से हमें बताया गया है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिजिकल मेंटल लेवल पर बहुत स्ट्रांग होते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड से हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, B12 मिलता है, Omega-3 मिलता है, जिंक मिलता है, कैल्शियम मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वेजिटेरियन फूड के माध्यम से सारी चीजें ले सकते हैं, क्यों नॉन वेजिटेरियन फूड जो है हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। जो लोग भी बहुत नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, बहुत सारी रिसर्च सारी दुनिया में हुई, उन लोगों को हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, उनको लीवर का कैंसर होने का, इंटेस्टाइन का कैंसर होने की संभावना रहती है, उनके किडनी डैमेज होने की संभावना रहती है। इसके बहुत सारे रिसर्चेस हुई, ये सारी चीज़ें मैं इस डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जो लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो कैसे अपने शरीर में B12, Omega-3, कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक को कंपनसेट कर सकते हैं। आपको बड़ा अजीब सी बात लगेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 kg बीफ को उत्पादन में लगभग 1,00,000 लीटर पानी लगता है। वहीं अगर हम 1 kg गेहूँ को उगाते हैं तो उसके लिए हमें 2,000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में नॉन वेजिटेरियन फूड का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कैसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं कंपैरेटिवली वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, वहीं जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोग किस किस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। रिसर्चेस हुई हैं कि जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग हार्ट की समस्या से, ओबेसिटी से, डायबिटीज से, कैंसर से कंपैरेटिवली जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनसे कम पीड़ित होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम B12 को कंपनसेट कर सकते हैं, तो मैं आपको सिलसिलेवार सारी चीज़ें बताऊंगा। वेजिटेरियन लोग अगर दूध, पनीर, घी का सेवन करते हैं तो हम अपनी बॉडी में B12 को कंपनसेट कर सकते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जैसा कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड से आयरन हमारी बॉडी को मिलता है। आयरन के लिए प्रकृति ने वेजिटेरियन लोगों के लिए जो भी चीज़ें लाल हैं, गाजर है, चुकंदर है, अनार है, गुड़ है, जो भी लाल है उसमें आयरन हम कंपनसेट कर सकते हैं। सीड्स के माध्यम से हम सनफ्लावर सीड्स है, पपाया सीड्स है, आपका खरबूजे के, तरबूजे के बीज हैं, इनको आप सेवन करके अपने शरीर में जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं, आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं, A, B विटामिन B3, B6, B12 को कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नॉन वेजिटेरियन होने की ज़रूरत नहीं है। आप वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रंग बिरंगी फल और सब्जियों का आपको मिलती हैं, एम्पल मिलती हैं। इसके लिए हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी होती है और हमारे जो पर्यावरण का इकोसिस्टम है वो खराब नहीं होता है।
ये भी कारण होता है। नॉन वेजिटेरियन लोगों का जो एटीट्यूड तो है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर दया का कम भाव होता है। और प्रकृति का ये नियम है कि हम काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे अंदर दोनों भाव होना चाहिए, एग्रेशन भी होना चाहिए, माइल्ड भी होना चाहिए। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं कंपैरेटिवली वो एग्रेसिव होते हैं। एग्रेशन के कारण उनके टेम्परामेंटल चेंजेस हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप उनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की ट्रबल, डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। वेजिटेरियन फूड जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, उसके लिए हमें किसी की भी हत्या नहीं करनी होती है, इजिली अवेलेबल होता है, हमारे शरीर में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मैं आपको ये बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप वेजिटेरियन रहिए, लेकिन मैंने दोनों में कंपेयर करके आपको बताया कि हमारा जो DNA है वो वेजिटेरियन खाने के लिए बना हुआ है। जो जीव नॉन वेजिटेरियन है उनके दांत नुकीले होते हैं, वो जीभ से पानी पीते हैं, उनके 32 दांत नहीं होते हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ्स हैं जो बताते हैं। उनके पंजे नाखून होते हैं, उनकी उंगलियों में नाखून जो पंजे नुमा होते हैं। तो ये सारी बहुत सारी बातें, इस पर आप एक बार चिंतन कर लें, और आपको लगता है कि आप स्टिल आप अपनी चॉइस है, मैं इसके माध्यम से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ये छोड़ दीजिए, ये खा लीजिए, लेकिन निर्णय आपके हाथ में है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और धन्यवाद, नमस्ते।